नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के इस नए लेसन में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं विब्रेटो टेक्निक वायलिन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, मेरे पास GC ट्यून वायलिन है, यानी कि मैंने अपने वायलिन को GC पसा ट्यूनिंग से ट्यून कर रखा है। हिंदुस्तानी संगीत में अलग अलग पद्धतियां है, और सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत में नहीं, पूरे विश्व के संगीत में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने की या गायन वादन की अलग अलग पद्धतियां रहती है। तो वायलिन के अंदर हिंदुस्तानी में मोस्टली दो पद्धतियां है, कौन सी, सा पा या पसा पसा। तो मैंने अपने वायलिन को पसा पसा में ट्यून किया है क्योंकि वो बिगनर के लिए अच्छी रहती है, सरल रहती है और आप उस पर जल्दी सीख सकते हो और कैच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सुर का मतलब नहीं पता, बेसिक जानकारी नहीं है, तो जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पिछले वीडियो जाके जानकारी ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं विब्रेटो टेक्निक। दोस्तों, विब्रेटो का मतलब क्या रहता है? वाइब्रेशन करना। अब क्या वाइब्रेशन करना? मान लो मैंने ग नोट लिया, ग सुर लिया, ठीक है, सा उत्पन्न हो गया, रे ये हो गया और ग ये हो गया। अब मैंने क्या किया, ग का प्लेसमेंट तो फिक्स रख रखा है कि भाई ग की उंगली ग यहां पे फिक्स आएगी, लेकिन मैंने विब्रेटो के अंदर लगातार बो को चलाया और इसको ऊपर नीचे एंगल को मैंने चेंज किया। देखो, ये एंगल चेंज कर रहा हूं, पोजिशन वापे ही है, हाथ को उठा रहा नहीं हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एंगल को ऊपर किया नीचे किया, ऊपर किया नीचे किया। पहले ये बहुत स्लो स्लो किया और धीरे धीरे फिर मैंने स्पीड को इंक्रीज किया, बढ़ाई मैंने स्पीड को, तो ये बन गया हमारा विब्रेटो। यानी कि लगातार हम कॉन्स्टेंटली कुछ प्ले कर रहे हैं साउंड, कोई भी सुर, कोई भी फ्रिक्वेंसी, और उसमें हम धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विब्रेटो। डेफिनेशन आपको अच्छी अच्छी अगर थ्योरी के लिए चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे, कोई किताब के अंदर, लेकिन मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल सिखाना सरल तरीके से। अभी कैसे ये करना है अप्लाई, तो मैंने वायलिन लिया, वायलिन की सांस ली, सांस मतलब बो है ना, ये इसकी प्राण वायु है, तो इसको पूरा यूज करना सीखना है हमको। उसके बाद मैंने मान लो ग नोट प्ले किया, ठीक है, ये मैंने सिंपल प्ले किया, ग पे मैंने अपना हाथ रख रखा है, दिख रहा है ना आपको। अब मैंने विब्रेटो के अंदर क्या किया, मैंने ये ग है, मैंने इसको पीछे किया और फिर आगे किया, पीछे किया और आगे किया, क्या किया, सा रे ग, फिर दिखा, पहले मैं इसको स्लो करता हूं और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूं। इसी टेक्निक से आप सब सुर प्ले कर सकते हो, यानी कि मान लो अगर आपने रे प्ले किया, ये रे का प्लेसमेंट है, अब पहले हमने धीरे से इसको पीछे किया फिर आगे किया, फिर धीरे से पीछे किया आगे किया, ठीक है, लेकिन हम लगातार बो को चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि बो रुक गई, बो चलती रहेगी लगातार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विब्रेटो टेक्निक। अभी भारतीय संगीत में इसको कहते हैं प्रकंपन करना, कंपन करना, कंपन मतलब वाइब्रेशन, और चाइनीज संगीत, चाइना के अंदर इसको कहते हैं चाइनीन, हो सकता है प्रोनंसिएशन के अंदर मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, विब्रेटो को हम सारे सुर के अंदर प्ले कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कैसे, जैसे मैंने आपको सिखाया था सारे गमा पधा निसा, ठीक है। अभी सारे गमा पधा निसा पे हम विब्रेटो हर सुर पे धीरे धीरे अप्लाई करना सीख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सवाल उठता है कि सर, सा और प ये तो ओपन रहेंगे, तो इसमें हम कैसे विब्रेटो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको मतलब। सा रे, रे में हम कर सकते हैं, ग में हम कर सकते हैं, म में कर सकते हैं,
पर में फिर ओपन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? देखो इसमें चार तार है, प सा, ठीक है। प के बाद क्या आता है? ध, ये आ गया ध। उसके बाद क्या आता है? नी, तो ये आ गया नी। और उसके बाद क्या आता है? सा, तो ये आ गया सा। तो इस सा की आवाज और इस सा की आवाज सेम आ रही है, यानी कि ओपन जो सेकंड स्ट्रिंग है ना, इसकी और इसकी आवाज सेम आ रही है, मतलब ये दोनों सा है, एक नोट ही है। तो हम अगर यहाँ पे ओपन में विब्रेटो यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्लोज सा करके इसको विब्रेटो यूज कर सकते। कैसे? देखा, फिर रे जो हम करते हैं प्ले, तो ये हो गया हमारा सा, दिख रहा है आपको, फिर ये हो गया हमारा रे। फिर आपको ऐसे करना है, प्रैक्टिस धीरे धीरे करना है, प्रैक्टिस भागना नहीं है, पेशेंस के साथ करना है। फिर ये ग, फिर ये म। अब दोस्तों देखो, ये होता है हमारा प, नेक्स्ट स्ट्रिंग जो होती है प होता है, लेकिन हम इसमें तो कैसे कर सकते वाइब्रेटो। तो हमने क्या किया, म जो किया उसके बाद हमने इस वाली फिंगर से, सबसे छोटी वाली फिंगर से एक सेम डिस्टेंस लिया एक उंगली का, जो हम रे और ग के बीच में लेते हैं, और फिर हमने इससे विब्रेटो किया। तो इस उंगली का भी आपको प्रैक्टिस करना है। सा मतलब कि ये हमने क्लोज लिया, रे ग मा, ठीक है, और ये प, फिर ये ध जो आता है, हम जो हमने सीख रखा है ध, फिर ये नी, और फिर वापस ये वाला सा। अब दोस्तों यहां एक सीखने वाली, ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा हमारे भारतीय संगीत में या मेजर स्केल के अंदर, मेजर स्केल में वेस्टर्न के अंदर, मेजर स्केल भारतीय संगीत में बिलावल ठाट, इन दोनों में जो है ग और म, ठीक है, क्या ग और म और नी और सा दोनों पास पास में आते हैं। देखो ग और म पास पास में आ रहा है ना, कोई गैप नहीं आ रहा है बीच में, जैसे रे और ग के बीच में गैप आ रहा है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अच्छा गैप है, लेकिन ग और म के बीच में फ्रीक्वेंसी का बहुत कम गैप है, इसलिए इनको पास में लिया इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ऐसे ही नी और सा के बीच में भी फ्रीक्वेंसी का बहुत कम गैप है, ठीक है। तो ये हमेशा दो नोट साथ में आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये थे विब्रेटो टेक्निक, जो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों देखिए, पेशेंस रखना संगीत में बहुत जरूरी है, पेशेंस से ही आता है, ये तो आपने सीख लिया, ठीक है। सीखना अलग होता है, लेकिन सीख के उसको अप्लाई करना अलग होता है। लर्निंग, लर्निंग का मतलब है चेंज इन योर बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर चेंज, सिर्फ उसको जानना है नहीं, अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, अभी तक जितना आता है उससे आगे बढ़ रहे हो, तो ही आपने लर्न किया, तो ही आपने सीखा, ठीक है। तो आपने जान तो लिया, अब आपको ढंग से प्रैक्टिस करना है पेशेंस के साथ। तो एक घंटे में या एक दिन में या एक हफ्ते में आप संगीत की कोई टेक्निक नहीं सीख सकते, सीख जान सकते हो, लेकिन सीखने के लिए, उसको साधने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। आपका काम है जब भी आपको टाइम मिले बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस करना, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना, स्माइल के साथ प्रैक्टिस करना, और समय का काम है उसको सिद्ध करना, ठीक है। आपने अपना काम कर दिया, आप समय अपना काम कर देगा। अभी मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने। सबसे पहले तो भरत भाई गुजरात से सवाल है उनका कि सर वायलिन में जो है सुर बेसुरे बजते हैं बहुत, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और फ्लो बनता नहीं है। तो भरत भाई इसका आंसर ये है कि देखिए, वायलिन को ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसमें कुछ दिखता नहीं कि कौन सा सा है, कौन सा रे है। गिटार के अंदर तो फ्रेट्स रहते हैं ना, ऐसे अलग अलग खांचे होते हैं, तो जहां आपने प्ले उसको, उसमें दिखता है कि भाई ये सा है, ये रे है। पियानो के अंदर भी कीज रहती है, उसमें दिखता है साफ, लेकिन इसमें कुछ दिखता नहीं, इसलिए इसको सारंगी को, सरोद को फ्रेटलेस, ये फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, फ्रेट्स नहीं है वो जो रहते हैं, ठीक है, गिटार में जो रहते हैं, फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेट भी रहते हैं और इसमें बेसुरे होने के बहुत चांस रहते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस नहीं, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, क्वालिटी वर्क चाहिए इसमें आपको।
अलर्टनेस बहुत रहनी चाहिए। इसलिए बहुत से आर्टिस्ट ना, ये एक और राज की बात है संगीत में, कि बहुत से आर्टिस्ट अपनी गलतियां छुपाने के लिए, मान लो उनने गलती से गलती कर दी, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने, बड़े आर्टिस्ट ने गलती कर दी, तो वो उस गलती को छुपाने के लिए क्या करेगा, मान लो उसने म अगर यहां पे रखना था तो उसने हल्का सा पीछे रख दिया जल्दी जल्दी में, यहां जब वो अवेयर नहीं था, तो उसने क्या किया कि उसने हल्का सा विब्रेटो वहां पे स्टार्ट कर दिया, तो उसकी गलती छुप गई वहां पे और वहां पे एक सुंदरता आ गई, तो गलती अच्छाई बन गई उसकी, है ना। तो विब्रेटो टेक्निक का ये ऐसे भी उपयोग करते हैं। और विब्रेटो टेक्निक के अंदर दोस्तों एक और बात है कि इसमें एक डेप्थ आता है आपके गाने बजाने के अंदर, या एक स्पेशल इफेक्ट आता है, फीलिंग आती है, भाव आते हैं, क्योंकि ये सही एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं टच करता है। और वेस्टर्न संगीत में इसका बहुत उपयोग है, विब्रेटो जो है वेस्टर्न संगीत में इसका खास उपयोग है, भारतीय संगीत में इसका उपयोग नहीं है, बहुत कम है, ये भी बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। दूसरा सवाल मुझसे पूछा है रेशमा झा जी ने, जो बैंगलोर से है। तो रेशमा झा जी पूछती है कि उनको जो है हाथ के प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कैसे हाथ का प्लेसमेंट रखना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर है कि हाथ को लूज रखना है, टाइट नहीं रखना। वायलिन कैसे पकड़ना है, मैंने अपने पहले वाले फर्स्ट लेसन में सिखाया था कि मैं इंडियन स्टाइल का एक्सपर्ट हूं, तो मैं उसमें अपने इस भाग को अपने पैर एड़ी के वहां पे रखता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो इसमें आपको फिंगर के अंदर सबसे पहले तो ये जो पार्ट है रिस्ट जो है बड़ा लूज रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको टाइट टाइट कर रहे हो, बात इतना भी लूज नहीं रखना है कि आपका हाथ गिर जाए नीचे, बस मूवमेंट आप कर पाओ आराम से, ये उसका मकसद है कि आप आराम से वायलिन के अंदर आगे पीछे बढ़ पाओ, ऐसा आपको हाथ रखना है। कोई इसका स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, आपका हाथ का शेप, आपकी प्रकृति, उसका साइज सब डिपेंड करता है, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आपकी प्रकृति के अनुसार भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो दे भी सकते हैं, और भी कुछ दिल की बात हो तो कह सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय भारत, जय हिंद।